मॉर्निंग, दिस इज सुधाकर, PCBM TGT PGT बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे 2010 का, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था 2010 के क्वेश्चन आंसर, उसमें से आगे 81 से आगे पढ़ेंगे। तो 81 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एड्रीनेलिन हार्मोन बढ़ाता है, इनमें से क्या बढ़ाता है? तो चार ऑप्शन है इसमें, पहला हृदय स्पंदन, दूसरा रक्त दाब, तीसरा जो है आपका इनमें से दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है इनमें से दोनों, यानी एड्रेनालिन हार्मोन्स क्या बढ़ाता है, हृदय स्पंदन भी बढ़ाता है और रक्त दाब भी बढ़ाता है। तो इसका सही ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, होमो इरेक्टस तथा क्रोमैग्नन मानव से किस बात में भिन्न था? यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं आपके, चार ऑप्शन में से पहला है ढलवा, पहला है आपका ढलवा जबड़ों में, दूसरा है समान की ओर सामने की ओर उभरे हुए जबड़ों से, तीसरा है जानवरों के चित्र को बनाने में सक्षम, और तीसरा है इनमें से सभी। तो यहाँ जो चार ऑप्शन है इनमें से जो ऑप्शन नंबर इसका वन होगा वही इसका सही ऑप्शन होगा, ढलवा जबड़ों से, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पीत प्लग किस प्रक्रिया में बनता है? पीत प्लग किस प्रक्रिया में बनता है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है गैस्ट्रुलेशन, दूसरा ऑप्शन है, पहला गैस्ट्रुलेशन है, दूसरा न्यूरोलेशन, तीसरा है ब्लास्टुला निर्माण, तो चौथा है मारूला। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है गैस्ट्रुलेशन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से पहला है मस्तिष्क मध्य स्तरीय है। यहाँ पर है मस्तिष्क जो है वह मध्य स्तरीय है, तो एक पहला हो गया, दूसरा होगा कंकाल मध्य स्तरीय है, तीसरा होगा यकृत वाय स्तरीय, चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि इसमें जो है कंकाल मध्य स्तरीय है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेंढक में ग्लॉटिस का नियंत्रण किन पेशियों के द्वारा होता है? तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है वाक्रज्जु, दूसरा है स्टर्नम, तीसरा है एरिटिनॉइड कार्टिलेज, और चौथा है वाक्रज्जु तथा एरिटिनॉइड कार्टिलेज। तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है एरिटिनॉइड कार्टिलेज, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर थर्ड एरिटिनॉइड कार्टिलेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कशेरुक ऊतक कोलेजन का अति उत्तम स्रोत होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कोलेजन का सबसे अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा होता है। तो पहला यकृत होता है, दूसरा पेशी, तीसरा कंडरा, और चौथा तंत्रिका। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन कंडरा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बायोलॉजी शब्द का परिचय कराता था? बायोलॉजी शब्द का परिचय किसने कराया है? पहला दिया है अरस्तू ने, दूसरा दिया है लैमार्क ने, तीसरा दिया है डार्विन ने, चौथा दिया है लीनियस ने। तो बायोलॉजी शब्द का जो सही इसका परिचय करवाया वह इसमें दूसरा साइंटिस्ट नहीं दिया है, दूसरा नहीं दिया है इसमें जिसने बायोलॉजी शब्द का दिया, लैमार्क और ट्रेबिनरेनस ने करवाया था। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है लैमार्क, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्यूबरकुलर तथा कैपिटुलर सिरे भाग होते हैं किसके? यहाँ पर आपको बताना है कि किसके भाग होते हैं।
तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए हैं, पहला है कशेरुकियों के, दूसरा है पसलियों के, तीसरा है रेडियो अल्ना के, चौथा है टिब्यू फिबुला के। तो इसका जो सही आंसर है तो पसलियों के आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यहाँ पर बताना है आपको कि सबसे बड़ा गुणसूत्र, इसमें से सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, पहला है एक्स गुणसूत्र, दूसरा है पॉलीटिन गुणसूत्र, तीसरा है बहुपट्टीय गुणसूत्र, और चौथा है लैम्प्रोस गुणसूत्र। तो इसका सबसे बड़ा जो गुणसूत्र होता है वह होता है लैम्प्रोस गुणसूत्र होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें लिखा है लीशमैनिया डोनोवेनाई से कौन सा रोग होता है। यहाँ चार ऑप्शन दिए, पहला निद्रालु व्याधि, दूसरा प्राच्यवर्ण, तीसरा कालाजार, और चौथा है पेचिस। तो इसमें जो आंसर होगा उसका थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ कालाजार इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर कि खुला रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। तो चार ऑप्शन दिए, पहला केचुआ, दूसरा गोधिका, तीसरा तिलचट्टी, और चौथा टोड। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तिलचट्टे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नवजात शिशु से यदि थायमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो कोशिका का निर्माण रुक जाएगा, वह क्या है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए, पहला मोनोसाइट, दूसरा बी लिम्फोसाइट, तीसरा टी लिम्फोसाइट, चौथा इओसिनोफिल। तो जो है थायमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो कोशिका का निर्माण रुक जाएगा, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो तीन है वह बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट हो जाएगा। तो वह टी लिम्फोसाइट होती है जिसके निकाल देने से कोशिका का निर्माण रुक जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। टीनिया अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है, केवल मुख द्वारा, चूषक द्वारा, देहभित्ति द्वारा, चूषक तथा मुख दोनों के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा देहभित्ति द्वारा। इसका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। रेशम ग्रंथियां रूपांतरित करती हैं क्या, पहला है लार ग्रंथियां, दूसरा है पाचन ग्रंथियां, तीसरा है उत्सर्जी अंग, चौथा अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो यह इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, लार ग्रंथि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चे के दुग्ध पान के समय स्तन में दुग्ध का निष्कासन करने वाले हार्मोन्स का नाम क्या होता है। इसमें यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला प्रोलैक्टिन, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा प्रोजेस्टेरोन, चौथा ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ जो चौथा ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, उसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीटोसिन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इक्विसिटम के वायवी तने में निम्न में से क्या पाया जाता है। तो इक्विसिटम के वायवी तने में निम्न में से क्या पाया जाता है। पहला केवल कंटके, दूसरा केवल खांस, तीसरा कंटके तथा खांस दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह हो जाएगा कंटके तथा खांस नंबर थ्री, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 97 है, और इस 97 जो है इक्विसिटम के तने में कूटकी नलिका यानी कैरिनल कैनाल्स पाई जाती हैं, वह कौन सी होती हैं। तो पहला ऑप्शन है संवहन पुल में, दूसरा बलकुट में, तीसरा पिथ में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है फर्स्ट आंसर है संवहन पूल, इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मरुद्भिद है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया है मार्सीलिया, दूसरा है जोला, तीसरा सेल्विनिया, चौथा इक्विसिटम। तो आपको बता दें कि इस इक्विसिटम को जो है इसमें साल्विनिया इसका सही आंसर हो, ये मरुद्भिद होता है। तो ये एजोला जलीय होता है, सबसे छोटा फर्न माना जाता है यह है, और इक्विसिटम हॉर्सटेल कहते हैं। तो इस तरह से आंसर इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लघु क्लब मास प्रचलित नाम है। लघु क्लब मास किसका प्रचलित नाम है? तो इसका पहला क्वेश्चन है, पहला आंसर है स्लेजिनेला का, दूसरा लाइकोपोडियम का, तीसरा इक्विसिटम का, चौथा मार्सीलिया का। तो इसका स्लेजिनेला इसका बिल्कुल राइट आंसर है, लघु क्लब मास के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर पौधा है? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, पहला लाइकोपोडियम, दूसरा स्लेजिनेला, तीसरा मार्सीलिया, चौथा इक्विसिटम। तो यहाँ आपको बता दें कि मार्सीलिया एक ऐसा पौधा है जो उभयचरी पौधा है। इसको यह वाटर तथा टेरिस्ट्रियल दोनों प्रकार का प्लांट्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, तो यहाँ पर आज हमारे 100 क्वेश्चन ख़त्म हो गए, कल हम 101 से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8707559649, ये मेरा नंबर है, आप मुझे इस पे मैसेज कर सकते हैं। और क्योंकि ये बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं, तो आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट कैसा लगता है, आप मुझे ज़रूर फ़ोन करके बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।